हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 5 नवंबर 2020, अमेरिका में सरकार बदलने की खुशी मार्केट ने दिखाई है। सरकार बदलने की खुशी, क्या सरकार बदल चुकी है? आपका यही क्वेश्चन है। शेयर मार्केट अपडेट्स देखते हैं, कैसे डाउ जोन्स ने रिएक्ट किया, नैसडेक ने रिएक्ट किया, और ये तो छोड़ो, इवन निफ्टी ने भी, यानी कि सिंगापुर निफ्टी ने भी लंबी छलांग लगाई। यूएस मार्केट्स, देखिए यूएस मार्केट्स ग्लोबल ड्राइविंग फोर्स होते हैं, पूरी मैं कहूँगा ग्लोबल मार्केट के लिए ड्राइविंग फोर्स रहता है, और यहाँ पे इतनी खुशी की लहर जो कल देखने को मिली वो जबरदस्त। ऑल दो लेट होते होते मार्केट में थोड़ा करेक्शन जरूर देखने को मिला, बट जरा देखिए अमेरिका के इलेक्शंस के नतीजे, भैया जो बाइडेन पहुंच चुके हैं 264 पे, सीधे 264 पे जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, बस 6 इलेक्ट्रोल वोट्स इनको और चाहिए 207 मेजोरिटी के लिए, और वो भी इनकी झोली में नवादा से आने वाले, क्योंकि वहां पे ये लीड कर रहे हैं। ऑल दो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स में जो इलेक्शंस यहाँ पे हो रहे थे उनमें ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन जब लास्ट की काउंटिंग हुई तो स्टेट्स, तो यहाँ पे मिशिगन एंड इनको तो हार ही गए, लेकिन अभी भी 3 स्टेट्स बचे हैं। बट जो बाइडेन को क्या चाहिए, ओनली 6 इलेक्ट्रोरल वोट्स, जिसमें वो ऑलरेडी आगे चल रहे, देखते हैं क्या होता है। बट अभी तक ये जो सबसे करीब पहुंच चुके हैं वो जो बाइडेन ही हैं, आप देख सकते हो क्लियरली। ट्रंप ऑल दो अभी के टाइम पे नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया, ये 3 स्टेट्स हैं जो कि डिसीजन यहाँ पे देंगे जिनमें ट्रंप आगे चल रहे हैं। बट स्टिल देखिए जरा किस तरीके से जादुई आग छूने के करीब पहुंच चुका, और इसका असर जैसे ही कल की डेट में मिशिगन के नतीजे आए थे और इनके साथ साथ वो जैसे मेजोरिटी के आगे पहुंच रहे थे, तो यूएस मार्केट का हाल जरा आप देखते हैं। यूएस मार्केट एक टाइम पे तो ऐसा लग गया कि भैया 500-600-700 पॉइंट ऊपर उछल चुका है डाउ जोन्स, देखिए ऑलमोस्ट 28,270 के आसपास गया था। ऑल दो बाद में यहाँ पे करेक्शन जरूर देखने को मिला। नैसडेक की बात करें तो भाई टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब आपको क्यों, आपने देखा होगा, इवन मैं कहूंगा इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी एक बहुत ही, ट्रंप के जो डिसीजंस थे वो थोड़ा सा रैंडम होते थे, कभी भी कुछ भी हो जाता था, और H1B जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, यानी कि इंडिया से या बाहर से स्किल्ड लेबर्स को, स्किल्ड वर्कर्स को उठाना। आप देखिए क्लियरली यहां पे नैसडेक 430 पॉइंट की छलांग लगाई, सबसे ज्यादा खुशी टेक्नोलॉजी कंपनीज यहां पे नैसडेक इंडेक्स में रहती है, इनको यहां पे देखने को मिली। देखिए क्लियर कट यहां पे आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी कंपनीज कहां से, ग्लोबल वर्कफोर्स है, और आप वहां पे कहोगे नहीं अमेरिकन्स ही जो है वही काम करेंगे और मैक्सिमम पॉपुलेशन वहीं की आएगी, तो कैसे चलेगा काम, तो वो टेक्नोलॉजी कंपनीज को सरकार चेंज होने की बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दी। अगर मैं देखूंगा डाउ जोन्स में तो फिर भी यहां पे थोड़ा करेक्शन लास्ट में देखने को मिला, बट नैसडेक में उतनी बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिली। ऑलरेडी नैसडेक बहुत ऊपर है, बट इस सरकार चेंज होने की खुशी नैसडेक को ज्यादा मिली। जरा देखिए निफ्टी के हालचाल देखिए, सिंगापुर निफ्टी एक टाइम में बड़ी लंबी छलांग इसने भी लगाई थी सिंगापुर निफ्टी ने, लेकिन उसके बावजूद 12,200 के लेवल पे जा चुका था, उसके बावजूद फिर भी अभी 12,056 के लेवल पे है। जापान की निकेई में तेजी, स्ट्रेट टाइम्स में तेजी, भैया अमेरिका की मार्केट में या सरकार चेंज होने की खुशी अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, ये खुशी जो है वो पूरी एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा पिछले 4 सालों के अंदर कभी भी ट्रंप साहब का कोई ट्वीट आ जाता तो मार्केट में हलचल मच जाती, ऐसा लगता है कि भैया वो कुछ स्टॉक्स जो है शॉर्ट करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और फिर एक ट्वीट कर देते हैं मार्केट धड़ाम से गिरती तो फिर खरीद लेते, ऐसा लगता था, क्योंकि कभी भी कोई भी ट्वीट आता तो मार्केट धड़ाम हो जाती थी। ये एशियन मार्केट की रिएक्शन आपने देखी। सिंगापुर निफ्टी जरा देखते हैं, सिंगापुर निफ्टी आप देखिए 12,180-190 के लेवल तक कल रात को ये सिंगापुर निफ्टी गई थी, जब डाउ जोन्स और नैसडेक भाग रहे थे, उसके बाद अभी करेक्शन चल रहा है, लेकिन याद रखें हम अपने अभी उस जोन में हैं जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि 12,000 से लेके 12,500 का जोन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक जोन है, ये हमारा ऑल टाइम हाई
है और ऑल टाइम हाई को पार करने के लिए हमको कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ती है। अभी इसको चार्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं आज की डेट में कुछ नतीजे आपके सामने आने वाले। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सेस की बात करूँ तो आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में इंडेक्सेस में निफ्टी बैंक मेजर रहने वाला है, और अभी टेक्नोलॉजी इंडेक्स में जब पॉजिटिविटी आई है तो भाई नैसडैक में पॉजिटिविटी आई है, तो आईटी इंडेक्स जो है लाइमलाइट जो बहुत टाइम से करेक्शन में रह रहा था, शॉर्ट करने के बहुत फायदे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ आईटी इंडेक्स में एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। इसके चलते फार्मा इंडेक्स, आईटी इंडेक्स फिर से क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई को पार कर पाएगी, लेकिन पार करने के लिए चलिए बाकी चीजें थोड़ा बहुत जंप कर लेंगे, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ने अभी तक थोड़ी रैली दिखाई है जो कि आगे कंटिन्यू रह सकते, तो बैंकिंग स्टॉक्स में फोकस रखना है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। जो बड़ी रैली है वो इसमें बैंकिंग स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि अभी भी ये सुस्त पड़े हुए हैं। टॉप गेनर्स कल की डेट में अगर आप देखोगे तो एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हनीवेल ऑटोमेशन, ये यहाँ पे टॉप गेनर। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, उसके अलावा इंडसइंड बैंक, नवीन फ्लोरिन, लंबी छलांग, रेडिको खैतान, इन्होंने लगाई अल्काइल अमाइंस, अब सन फार्मा भी बहुत लंबी छलांग लगाई। अब ये सारी चीजें देखिए आज के नतीजे आप डिस्कस करते हैं कि आज नतीजे किसके आने वाले हैं। एबीबी इंडिया, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, एस्ट्राजेनेका फार्मा के नतीजे आने वाले हैं भैया। ये स्टॉक लाइमलाइट में क्योंकि ये है वैक्सीन का टॉप कैंडिडेट जो वैक्सीन लेके आ सकता है कोरोना की। बजाज इलेक्ट्रिकल, बर्जर पेंट, बिरला कॉप, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंटेनर कॉरपोरेशन, चंबल फर्टिलाइजर, देखिए बड़ा नाम इमामी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसके अलावा गुजरात गैस बड़ा नाम है, जामना ऑटो और मिंडा कॉरपोरेशन, टोरेंट पावर, ट्रेंट, विनती ऑर्गेनिक्स के भी आज नतीजे आने वाले। बहुत सारी कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंस किए थे तो उनकी भी डेट सामने आ रही है, अंबुजा सीमेंट, कैस्ट्रॉल, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, मैरिको, सुप्रीम इंडस्ट्रीज एंड वैभव ग्लोबल। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे एचपीसीएल की, एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नतीजे आए थे, प्रॉफिट में बड़ा जंप था, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने बाईबैक थ्रू ओपन मार्केट परचेज यहाँ पे अनाउंस किया हुआ, अपने ओपन मार्केट से कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद सकती है। जरा देखिए अब आपको यार कंपनी वापस क्यों खरीद रही है अपने शेयर्स, और यहाँ पे 2500 करोड़ का ये बायबैक है, कंपनी वापस इसीलिए शेयर खरीद रही है क्योंकि अभी सस्ते में मिल रहा है, बाद में सरकार को, कंपनी इंडस्ट्री में कहूँगा प्रमोटर तो सरकार ही है, बाद में सरकार अभी इनके शेयर्स को बाद में जब कहेगी एचपीसीएल सेल पे लगा देगी इनके शेयर्स को। जरा सोचिए बायबैक की अनाउंसमेंट हुई है कितना, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के, यहाँ पे 2500 करोड़ के आसपास, कितना, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास का जो है शेयर्स मार्केट से खरीदने वाली है। चलिए अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। कल की डेट में एसबीआई के भी नतीजे आए थे, जबरदस्त नतीजे एसबीआई के आए थे, तो वो भी आज मार्केट में हलचल मचा सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू के ऊपर, कैसा व्यू बन रहा है निफ्टी के ऊपर। चलते हैं सबसे पहले निफ्टी मंथली चार्ट, पिछले 2-3 महीने कंसोलिडेशन, क्या निफ्टी पार कर पाएगा 12,450 के इस हाई को, तो कोशिश जरूर रहेगी। और फिलहाल मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस मिला है सिंगापुर निफ्टी, क्योंकि वो सिंगापुर निफ्टी अभी भागी है, तो निफ्टी में भी आज आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। गैप अप के साथ साथ एक बात होगी, जो ये लेवल था, ये हाई था, जो ये करेक्शन कर रहा था, ये पार हो जाएगा, 12,000 का ये लेवल पार हो जाएगा। पार होते होते कितना ऊपर जाता है ये, फिलहाल जो कि ऊपर टॉप पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 12,450 की रेंज, 430-440 की ये रेंज है, तो ये क्या क्रॉस होती है, तो मैं कहूँगा भैया ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, अगर इस तरीके से कंसोलिडेशन चलेगा ब्रेकआउट के नियर, तो अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। जरा देखिए निफ्टी ने किस तरीके से आपको डायरेक्शन अभी तक दी है, फिलहाल ये करेक्शन, बुलिश क्रॉस के बाद का करेक्शन, उसके बाद इंपॉर्टेंट जैसे हम बार बार कह रहे थे, अगर करेक्शन आती भी है तो सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, 3-3 20 MA, 50 MA और 200 SMA का सपोर्ट अवेलेबल है वीकली पे, यानी कि 10,800 से ऊपर ही ऊपर सपोर्ट अवेलेबल थे। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ डेली टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन है, ऐसा लगता है अगर मैं इसी लाइन को टच कर लिए तो 12,000 की लाइन है जो कि आज गैप अप के साथ क्रॉस होगी। क्या गैप अप के साथ क्रॉस होकर उस गैप को मेंटेन किया जाएगा, या फिर मार्केट गिर के उस गैप को डाउन करते हुए फिल करते हुए आएगी। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे बॉटम पे जरूर आया और उसके बाद इंडिसीजन, 3 दिन का कंसोलिडेशन, मार्केट तेजी से भागने लगी और भाग के अभी कोशिश होगी और ऊपर यहाँ पे जाने की। बैंक निफ्टी को समझते, ये निफ्टी था, बैंक निफ्टी काफी मेजर मूवमेंट यहाँ पे इस महीने में बैंक निफ्टी ने दिखाया और काफी पॉजिटिव मूवमेंट मैं कहूंगा इसको, क्योंकि पिछले 3 महीने का ऑलमोस्ट एक
साइडवेज ट्रेंड इसमें चला, तेजी आई। देखिए इसको अगर आपको प्राइस में क्लियरली नहीं दिख रहा ना, तो इसको आरएसआई पे आप देख सकते हो कैसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। और फिलहाल एक पॉजिटिव जो है बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है, जो कि अब तक पॉजिटिविटी नदारद थी, गायब थी। तो क्या बैंक निफ्टी इस, देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जिस लेवल से लास्ट टाइम पे रिजेक्ट हुआ था, यानी कि 200 एसएमए वीकली की लाइन, और उसी लेवल के पास बैंक निफ्टी बैठा हुआ है। तो हल्का फुल्का जंप करके यहाँ पे डाउन आने की भी कोशिश हो सकती है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा देखना, और साथ के साथ बुलिश क्रॉस यहाँ पे बनने जा रहा है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये क्रॉस जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर रहे तो बुलिश क्रॉस बनेगा, तो बुलिश क्रॉस बनने के बाद अगली करेक्शन और ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। और तब तक होगा क्या, हमारा जो आरएसआई भी है वो 60 को पार करके एसिड एरिया में चला जाएगा। जैसे ही ये एसिड एरिया में जाएगा तो वहां पे फिर करेक्शन आके ये इस तरीके से सिचुएशन आपको जैसे क्रॉस मिलेगा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगले कुछ मैं कहूंगा हफ्ते, कुछ दिन जो है बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। जरा देखिए बैंक निफ्टी को करेक्शन, 20 EMA का सपोर्ट, उससे पहले देखिए बुलिश क्रॉस, करेक्शन। जैसे हम बार बार कह रहे थे कि बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर ये गिरता भी है, और इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी इस बॉक्स में अवेलेबल है। ये बॉक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए था सपोर्ट, क्योंकि तीन तीन सपोर्ट अवेलेबल है, 200 SMA है, 50, 20 EMA है, और फिर से जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहेगी मूविंग एवरेजेस से, प्राइस का एक मतलब है कि मूविंग एवरेजेस के पास वो आने की कोशिश करता है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। US इलेक्शंस के नतीजे आपने देखे, किस तरीके से वो मार्केट को इंपैक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिविटी ला रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।